तो साजापुर से बड़ी खबर, जहां पर इंजीनियर पर नहीं हुई कार्रवाई, दो दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कलेक्टर की फटकार के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। सीवरेज इंजीनियर को कलेक्टर ने फटकार लगाई थी। घटिया निर्माण देख इंजीनियर पर भड़के थे कलेक्टर। बड़ी खबर आपको बता रही है शाजापुर से, जहां पर इंजीनियर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि दो दिन बाद भी कोई कार्रवाई इस इंजीनियर पर नहीं हुई है, और दो दिन पहले ही ये वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कलेक्टर की फटकार के बाद भी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। तो सीवरेज इंजीनियर को कलेक्टर ने फटकार लगाई थी काम की वजह से, और घटिया निर्माण देख इंजीनियर पर भड़के थे कलेक्टर। और हमने आपको ये खबर दिखाई थी जिसमें ये साफ समझ में आ रहा था कि जो निर्माण कार्य था वो सही नहीं था। संजय गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। संजय, देखिए इंजीनियर को डांट भी लगाई थी कलेक्टर साहब ने, और जाहिर है उन्होंने कहा था कि जो निर्माण कार्य है वो ठीक नहीं है, लेकिन इसके बाद भी दो दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। जी मैं आपको बता दूं कि बीच में अभी जानकारी लगी है कि शनिवार रविवार की छुट्टी होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं थी। बाकी आज चर्चा की गई, चर्चा में भी अभी तक कोई स्पष्ट रूप से कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया, मगर सूत्रों की माने तो जल्द हो सकती है इंजीनियरों पर कार्रवाई। ठीक, लेकिन देखिए ये जो निर्माण कार्य जिसको लेकर फटकार लगाई गई थी, क्या उसको लेकर किसी तरह का कोई काम दिख रहा है? अभी तक कोई स्पष्ट की तरफ से भी नहीं आया है, और इस विषय पर अधिकारी और कर्मचारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यानी कि अभी किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं? जी बिल्कुल। ठीक, चलिए शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। तो साजापुर से बड़ी खबर, जहां पर इंजीनियर पर दो दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कहा जा रहा है क्योंकि शनिवार और रविवार था, और